नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्राइम कंट्रोल को लेकर एसएसपी ने मीडिया को किया संबोधित, कहा नशा कारोबारी और भूमाफियाओं पर है पैनी नजर। बेगूसराय में अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ गोलीबारी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश, कहा राज्य में कानून व्यवस्था बदतर। जगदीशपुर में 9 वर्षीय बच्चे की हत्या के 4 माह बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस, परिजनों ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। राज्य में बढ़ते अपराध के खिलाफ धरने पर बैठे पूर्व डिप्टी सीएम, कहा अपराध पर अंकुश लगाने में महागठबंधन सरकार विफल। और बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक का किया घेराव। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। ऐसे में क्राइम कंट्रोल को किस तरह से सफल बनाया जाए, इसको लेकर बुधवार को सीनियर एसपी बाबूराम ने संवाददाताओं से कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान एसएसपी ने पत्रकारों को अलग अलग मामलों के निष्पादन की जानकारी देते हुए बताया कि शहर में आपराधिक गतिविधि पर रोक लगाने के लिए पुलिस तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि घटनाओं पर रोकथाम के लिए सभी थानों के पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है, जबकि शहर में भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए पुलिसिंग व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाया जाएगा। वहीं एसएसपी ने नशा कारोबारी और भूमाफियाओं को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि इस तरह की आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने वाले पर पुलिस की पैनी नजर है। या आम सेक्टर में जो लोग पहले से चिन्हित हैं, लूट या अन्य वारदात को अंजाम दिए हुए हैं, ऐसी सभी लोगों की सूची थाना के स्तर पर बनाई गई है। समय समय पर ऐसे लोगों का सत्यापन किया जाता है, उनकी गतिविधि को देखा जाता है। जेल से जो लोग छूट कर आते हैं और जिनका हैबिचुअल ऑफेंडर टाइप से उनका करेक्टर पहले का रहा है, ऐसे लोगों पे भी नज़र रखी जाती है। उसके लिए हम लोग सभी संबंधित थाना को ऐसे अपराधी के छूटने की सूचना देते हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध लगातार नज़र रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि ऐसे लोग जब हथियार जुटाते हैं या किसी क्राइम की योजना बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उनके इस तरह की गतिविधियों को समय रहते टाला जा सके। बेगूसराय NH 28 पर मंगलवार की शाम हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। इसको लेकर NH 28, NH 130 और SH 55 सहित जिले के तमाम सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विजयपुर कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर अपना विरोध जताया, जबकि सदर अस्पताल बेगूसराय में घायलों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार में आपराधी और माफिया गठजोड़ के कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, जबकि राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री रिटायर्ड अधिकारियों को अपने सलाहकार के रूप में रखते हैं और पोस्टिंग के लिए बोली लगाई जाती है, जबकि अच्छे अधिकारियों को साइड करके रखा गया है। इसके अलावा भाजपा नेता ने कहा कि पुलिस प्रशासन दारू और बालू से वसूली करने में व्यस्त है और राज्य में कानून व्यवस्था बदतर होती जा रही है। यही भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी को आभास नहीं है, उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किए हैं। आकर करके उस जंगल राज का ताप को नहीं सहे, शहादत और शहीद और उस बलिदान में उनकी भागीदारी नहीं रही। उनको तो हम लोगों ने कहा अराजकता के उबारने के लिए उनको कुर्सी कुमार को हमने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त के रूप में बैठाया था, लेकिन आज वो खुद जा करके उसी जगह पर बैठ गए जहां अराजकता जंगल राज को जनता राज कर रहे हैं। अब ये उससे भी 2 कदम आगे निकल गया, ये गुंडा राज है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से राज्य में कानून व्यवस्था लगातार जर्जर होती जा रही है, जिससे वर्तमान सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर निवासी नरेश दास के 9 वर्षीय पुत्र की बदमाशों ने बीते 16 मई को बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार के द्वारा जगदीशपुर थाना समेत कई पुलिस अधिकारियों से पुत्र की हत्या मामले में
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई। लेकिन घटना के करीब 4 माह बीत जाने के बाद भी नरेश दास और उसके परिवार को न्याय नहीं मिल सका है। जबकि पीड़ित परिवार अपने पुत्र को न्याय दिलाने के लिए दर दर प्रशासनिक अधिकारियों के पास भटकने को मजबूर है। इधर अपने पुत्र की हत्या से आहत मां बुधवार को न्याय की गुहार लगाने भागलपुर SSP कार्यालय पहुंची, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम को आवेदन देकर अपने पुत्र के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार के द्वारा गाँव के ही जयराम मंडल, बिहारी यादव अशोक साह, डीजल तांती महेंद्र दास और चंपा देवी को इस हत्याकांड में नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि मामले में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बावजूद स्थानीय पुलिस किसी तरह की कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ नहीं कर रही है, जबकि इस केस की जाँच कर रहे IO भी इसमें लीपापोती करने में लगे हैं। इधर मृतक के बड़े भाई संतोष ने बताया कि पुलिस के ढुलमुल रवैये का जब उन्होंने विरोध किया तो दबंगों ने उनकी मां मंजुला देवी को डायन बताकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी और FIR वापस लेने की धमकी देने लगे। साथ ही कहा कि वे लोग पुलिस के सभी आला अधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली और इसके कारण परिवार के सदस्य काफी भय के माहौल में जीने को विवश हैं। हालांकि SSP बाबूराम ने पीड़ित पक्ष के आवेदन को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दे दिया है। मन बच्चा घर डुकी डुकी मारे धमकी जगह नौ न जाती चौकीदार रोज में क्या बोलता है धमकी देता है डान कहीं कहीं मारे जो बाबू आपको डान कहता है हाँ डान कहीं के पैसे बोले लगे 16,000 और दूसरे पंचतम मारना हो जले घर रोज डुकी कमरा कर दे मुलाजिला सब पड़ी देने के छह जो आपने कई सब बात बोले यार भी ज्यादा ना कौन लोग इसमें आरोपी है, कौन लोग शामिल है? जयराम मंडल, बिहारी यादव, डीजल तांती, अशोक साह, चंपा देवी, महेंद्र। हत्या का कारण क्या था आपके भाई? हत्या का कारण यह था कि मेरी माँ को डांस करके मारता था। आराम से बताइए क्या हुआ? मेरी माँ को डैन कहके मारता था। अच्छा, उस वजह से बिहारी यादव पंचायती की 16,000 रुपया लिया, उसका केस चल रहा है, केस भी किए पर अभी तक वो भी केस में कहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं गिरफ्तारी उनका हुआ। लखीसराय सहित राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष से स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा, सांसद सुशील कुमार मोदी के साथ कई भाजपा नेताओं ने बुधवार को रामगढ़ में एक दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया, जहां दोनों नेताओं ने सुशासन का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर विधि व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा। इस दौरान भाजपा नेताओं ने बिहार में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधि को लेकर कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए और सरकार इस पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की हालत अब भी लचर बनी हुई है और अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान अब तक नहीं हो सका है, जबकि किसी तरह की सुविधा भी कर्मियों को मुहैया नहीं कराई गई है। इसको लेकर भागलपुर के माइग्रेन अस्पताल परिसर में बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट कार्यालय का घेराव किया और अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। इस दौरान धरना दे रहे कर्मियों ने वर्तमान सरकार और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि वे लोग काफी समय से अस्पताल में काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे वे सभी आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हैं, जबकि कोई भी उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही कहा कि कोरोना काल के वक्त भी उन लोगों ने अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर अस्पताल में अपनी सेवा दी, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। इसके अलावा कहा कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बड़े अधिकारियों के दफ्तरों में अल्पाहार की व्यवस्था की गई, लेकिन अन्य कर्मियों के साथ सौतेला रवैया अपनाया जाता है। मौके पर काफी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी मौजूद रहे। हम लोग खासतौर से अल्पाहार के लेकर के मैंने लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दो तीसरा साल जा रहा है, बार बार लिखित रूप से दिया जा रहा है यहाँ पर कि अल्पाहार का प्रश्न दिया जाए, कि ऑल बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों को अल्पाहार की राशि मिल चुकी है और हम लोगों को बार बार लेटर बदलते हुए एक लॉलीपॉप के जैसा मैंने लेटर थमा जाता है और मैंने सब लोग खामोश हो जाते हैं। हाँ मेडिकल, जबकि हमारे मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल दोनों एक ही है,
जो मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी को मिल चुका है और हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ ऑफिस कार्यालय के बाबू लोग ले लिए हैं, जबकि हम लोगों को मिलना चाहिए वाजिब। हाँ, हम लोग 2-3 साल से कुछ डिमांड है हम लोगों का, जो कि कंटिन्यू हम लोग इस सुपरिटेंडेंट सर से पहले जो थे उन लोगों को भी हम लोग लिख करके दिए। हम लोगों का डिमांड है कटा हुआ वेतन, जो कि हम लोग ड्यूटी करते हुए पे भी वेतन काट दिया जाता है। दूसरी बात है कि हम लोगों का स्टाफ जो है मैटरनिटी में जाती है, CCL में जाती है या EL में जाती है, तो उसका वेतन को लंबित रखा जाता है और उसके लिए जो है 6 महीना, साल भर, 2 साल तक हम लोग इंतज़ार करते, लेकिन उसका वेतन नहीं बनाया जाता। वेतन बनाने के एवज में इन लोगों से राशि की डिमांड की जाती है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। कांत कुमार, मध्य विद्यालय मंगा जिला, प्रखंड शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ एवं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सचिव गोगरी पद पर हूँ। मैं 2013 से डायबिटीज से परेशान था, अंग्रेजी दवाई खाया लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वर्षों से मैं इसकी तलाश में था कि कैसे मेरा डायबिटीज समाप्त होगा। इसके लिए मैंने अथक प्रयास किया, बहुत से अंग्रेजी दवाई खाई, इसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। जिसको डायबिटीज हुआ है उसको छूटा ही नहीं है, ऐसा पैथोलॉजी में कहा गया। मैं इसके विषय में चिंतित था, इसी बीच 2021 में मेरे मित्र नरेंद्र जी से भेंट हुई। उसने बोला कि एक आयुर्वेद में ऐसी दवा है जो कभी फिर लौट के ज़िंदगी में नहीं आता, और उसके विश्वास पर मैंने आयुर्वेद का दवाई खाया। दवाई खाने के क्रम में मेरा ट्रीटमेंट अच्छा रहा। डॉक्टर AK राय के अनुसार उसके सभी खान पान को पालन करते हुए मैंने दवाई मई 2021 में स्टार्ट किया। पहले तो मेरा डायबिटीज बढ़ा, उससे चिंतित था, लेकिन पुनः मेरा डायबिटीज घटना शुरू हो गया। खान पान को नियंत्रण रखते हुए मेरा डायबिटीज कमता चला गया, तो मुझे विश्वास हुआ कि डायबिटीज समाप्त हो जाए। उसके बाद खान पान में जैसा आश्वासन दिया वैसा मैं प्रयास किया और खाया सही सलामत। उसके साथ साथ समय समय पर इसने हमारे साथ चेक के दौरान मीठा सेवन करने का, आलू, रसगुल्ला, अन्य बुनिया मीठा सामान खाने का बोला, और मैंने किया, लेकिन डायबिटीज उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, घटता ही चला गया। मुझे विश्वास तब हुआ कि डायबिटीज छूट जाए, लेकिन कुछ लोगों इस पर विश्वास ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के सामने मैंने खाया रसगुल्ला, पेड़ा, जो भी मीठा का सामान था सब खाया और डायबिटीज चेक कराया, डायबिटीज घट के 110 हो गया, तो मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया कि डायबिटीज अब नहीं हो। लगातार अगस्त 2021 तक मैं दवाई खाई और दवाई से संतुष्ट होकर मुझे डायबिटीज 110 पड़ा और संतुष्ट हो गए कि डायबिटीज छूट जाता है, या इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आगे मैं सभी डायबिटीज पेशेंट को ही सलाह दूंगी, आयुर्वेद में डॉक्टर AK राय द्वारा किया गया ट्रीटमेंट बिल्कुल सत्य, कहीं झूठा नहीं है, किसी तरह की इसमें छल कपटी नहीं है, अच्छी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है जो ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आएगी। 1 महीना कोई दवाई नहीं खाने के बाद सभी चीज़ खान पान मीठा का सेवन करते हुए मेरा डायबिटीज 110 है, मैं संतुष्ट हूँ, किसी तरह की परेशानी मुझे नहीं है, शरीर में फुर्ती है, वेट भी सही है, इसलिए डायबिटीज मेरा सही है और मैं इस दवा से संतुष्ट हूँ। आगे डायबिटीज पेशेंट को सलाह देता हूँ कि डॉक्टर AK राय के द्वारा जो भी दवा चलाई जा रही है वह एकदम सही है, किसी तरह की इसमें छल कपटी नहीं है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। 1 महीना कोई दवाई नहीं खाने के बाद सभी चीज़ खान पान मीठा का सेवन करते हुए मेरा डायबिटीज 110 है, मैं संतुष्ट हूँ, किसी तरह की परेशानी मुझे नहीं है, शरीर में फुर्ती है, वेट भी सही है, इसलिए डायबिटीज मेरा सही है। मेरा नाम अजय कुमार हुआ, घर गोछारी, जिला खगड़िया, मैं किसान हूँ। डायबिटीज पेशेंट 1 साल पहले से था,
अंग्रेजी दवाई खा रहे थे बेगूसराय से, 200 और 300 फास्टिंग 200 और पीपी 300 था। तो भोला जी हमको बताए मेरा का था वो, कि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं भागलपुर में एक गेरा, वहाँ से दवाई खाइए आप ठीक हो जाइएगा, एकदम डायबिटीज संतुष्ट हो जाइएगा बिल्कुल ठीक। तो हम यहाँ भागलपुर से स्टार्ट किए दवाई खाने के लिए, जब से दवाई खाएं, खान पान को नियंत्रण रखते हुए जैसे डॉक्टर साहब बताएं वैसे खाएं, उस दिन से तो डायबिटीज कमते ही चला गया। और एक महीना से दवाई हम नहीं खाएं, कोई भी दवाई नहीं खाने के बावजूद भी सब चावल दाल आलू सब्जी खाते हुए भी अभी डायबिटीज मेरा 125 है। अब मैं इस डॉक्टर से संतुष्ट हूँ, और जो डायबिटीज पेशेंट हैं संपर्क कीजिए बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश करने मैदान में उतरने लगे हैं। वहीं इसको लेकर बुधवार को रामसर चौक स्थित मिलन विवाह भवन में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के प्राचार्य सह महानगर राजद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद सलाहुद्दीन हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपमहापौर के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि वह पूरे 51 वार्डों की जनता की आवाज पर अपने उम्मीदवारों के लिए तैयार हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वह पिछले 50 साल तक विभिन्न सामाजिक और एक राजनीतिक दल से जुड़कर भागलपुर शहर की सेवा की, अगर जनता ने उनको मौका दिया तो वह उसी तरह से आगे भी कार्य करते रहेंगे। बता दें कि डॉक्टर सलाहुद्दीन हसन 25 वर्षों तक MM डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। नगर निगम का जो चुनाव है उसके लिए मैं उपमेयर उपमहापौर के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, जिसके लिए आज ये बैठक आयोजित की गई है। और मैं भागलपुर की तमाम जनता से ये कहना चाहता हूँ कि ये आप हमें अगर अच्छा कैंडिडेट समझते हैं, अच्छा उम्मीदवार समझते हैं, तो वो हमें वोट करके इस पद तक पहुँचाने की कोशिश करें, और इसके लिए मैं तमाम भागलपुर की जनता का शुक्रगुजार हूँ। बिहार में सरकारी स्कूलों में लापरवाही समय समय पर सामने आती रहती है, जिससे सरकारी स्कूल पहले से ही बदनाम है। हाल यह है कि स्कूल वक्त पर नहीं खुलता है, जबकि समय से पूर्व छुट्टी भी कर दी जाती है। एक ओर जहां शिक्षा विभाग स्कूली व्यवस्था सुधारने के लिए कई तरह के नियम लागू कर रही है, वहीं हाल के दिनों में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए चहक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को समझ के लिए तैयार नहीं है। दरअसल भागलपुर के सनहौरा प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय जनकपुर और मध्य विद्यालय गंगारामपुर दोपहर के वक्त बंद दिखाई दिया। इस दौरान स्कूल में ताले लटके हुए थे, जबकि मदारगंज सनोकर क्षेत्र में अधिकतर स्कूलों में समय से पहले छुट्टी कर दी गई थी। वहीं इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि विद्यालय खुलने का समय सुबह 9 बजे निर्धारित है, जबकि छुट्टी का समय शाम 4 बजे का है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को निर्धारित समय पर खोलना और करना है, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मैं सभी प्रधानाध्यापकों से को आदेशित करूंगा कि वे अपने स्तर से विद्यालय में शिक्षकों को समय पर आने जाने के लिए, अगर कोई शिक्षक लेट से आते हैं तो उनकी उपस्थिति उस दिन के लिए रद्द कर दी जाए और इसकी सूचना दस्तावेज को दिया जाए। और मीटिंग में भी मासिक बैठक में हम लोग सभी प्रधानाध्यापक को विद्यालय व्यवस्था से संबंधित और अन्य विभागीय व्यवस्था से संबंधित निर्देश हम लोग देते हैं, जिसमें पहला हम लोगों का होता है कि शिक्षक विद्यालय समय से आएँ, समय से जाएँ और सही ढंग से बच्चों को अध्ययन कराएँ। सनहौला प्रखंड के अधिकांश पंचायतों में सड़क और नाले की स्थिति काफ़ी ख़राब है, जिसके कारण यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ताज़ा मामला सनहौला प्रखंड के मदारगंज पंचायत अदलपुर गांव का है, जहाँ कई सालों से सड़क पर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों और राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं समस्या पर अब तक किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया, जबकि पंचायत के मुखिया भी मौन बने हुए हैं, जिससे लोगों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। खराब है साल भर से। क्या परेशानी होता है? परेशानी यहाँ हमेशा नाले का पानी निकासी नहीं हो रहा है। नाले का पानी नहीं निकासी होता है, हमेशा जाम रहता है। इससे ज्यादा वहाँ बसा पर रहता है। कौन बसा? यही अदलपुर। सबको बोला गया है, मुखिया सरपंच सब कुछ नहीं सुनता है।
कैसे बारिश के दिन में कितना दिक्कत? बारिश के दिन में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। जब अभी पैदल चलने में दिक्कत हो रहा है तो फिर बारिश का समय तो देखिए ना, गाड़ी आ रहा है उसमें देखिए। भागलपुर के मंदरोजो स्थित खाटू श्याम मंदिर में बुधवार को इस्कॉन भागलपुर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 से 18 सितंबर तक होने वाले कृष्ण कथा सत्संग की तैयारी से संबंधित जानकारी दी गई, जिसमें मंदिर के उपाध्यक्ष ईश्वर नाम दास ने बताया कि खाटू श्याम मंदिर वृंदावन से आने वाले भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज द्वारा कृष्ण कथा की जाएगी और पितृपक्ष में इसका विशेष महत्व है। साथ ही कहा कि अधिक से अधिक कृष्ण भक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर भक्ति रस का आनंद ले, जिससे जीवन जीने की कला और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। हरे कृष्णा। 15 तारीख से 18 तारीख सितंबर को यहाँ पे 4 दिनों की कृष्ण कथा सत्संग है। वृंदावन से भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी आ रहे हैं कृष्ण कथा कहने के लिए। ये शाम को 3:30 से शाम को 7 बजे तक होगी। ये स्थान है खाटू श्याम मंदिर मंदरोजा। तो भागलपुर के लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है, एक तो पितृपक्ष है, पितृपक्ष में कृष्ण कथा सुनने से, भागवत कथा सुनने से पितरों को भी पुण्य मिलता है और हमें भी पुण्य मिलता है। दूसरा, महाराज जी पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं कथा के लिए और कथा में वो बड़ा व्यस्त रहते हैं, और लेकिन भागलपुर में वो आ रहे हैं कथा करने के लिए, भागलपुर वासियों के लिए सौभाग्य है। इससे पहले 2019 में महाराज जी आए थे और कोरोना काल में वो कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हो सकता था, इसलिए हमने नहीं बुलाया था। अब महाराज जी स्वीकार किए आने के लिए, तो ये बड़ा ही सौभाग्य है कृष्ण कथा। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्राइम कंट्रोल को लेकर एसएसपी ने मीडिया को क्या संबोधित, कहा नशा कारोबारी और भूमाफियाओं पर है पैनी नजर। बेगूसराय में अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ गोलीबारी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश, कहा राज्य में कानून व्यवस्था बदतर। जगदीशपुर में 9 वर्षीय बच्चे की हत्या के 4 माह बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस, परिजनों ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। राज्य में बढ़ते अपराध के खिलाफ धरने पर बैठे पूर्व डिप्टी सीएम, कहा अपराध पर अंकुश लगाने में महागठबंधन सरकार विफल। और बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक का किया घेराव। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।